प्यार अंधा होता है, ये तो हम सब ने सुना है। हाल ही में शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन की एक फिल्म में ऐसा देखने को भी मिला। फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझे जिया, जहां फिल्म में शाहिद कपूर को रोबोट से प्यार हो जाता है। जब ये फिल्म हम सब ने देखी तो बहुत अच्छा लगा और ड्रीमी लगा, दिल खुश हुआ। लेकिन फिर हम सब रियलिटी में वापस आए और सोचा कि यार ये बढ़िया तो बहुत था, लेकिन ये सिर्फ मूवीज में ही हो सकता है, क्योंकि रोबोट से कैसे किसी को प्यार हो सकता है। लेकिन आज हम आपको गजब की बात में राजस्थान के एक लड़के के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप सोचने लगेंगे कि यार ये तो बिल्कुल हाल ही में आई शाहिद कपूर की फिल्म की कहानी जैसा है। चलिए आपको बताते हैं सीकर के सूर्य प्रकाश समोद के बारे में, जिसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। सूर्य रोबोट से शादी करने जा रहे हैं, ये सुनकर भले ही आपको अजीब लगे लेकिन यह सच है। रोबोटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले सूर्य प्रकाश अब रोबोट से दिल लगी कर बैठे हैं, और वो जिस रोबोट से शादी करने जा रहे हैं उसका नाम गीगा है। सूर्य प्रकाश ने मीडिया इंटरव्यू में बताया कि करीब 19 लाख की लागत से गीगा को बनाया जा रहा है और इसका निर्माण तमिलनाडु में हो रहा है, जबकि इसकी प्रोग्रामिंग दिल्ली में की जा रही है। सूर्य प्रकाश ने बताया कि उन्हें बचपन से ही रोबोट्स में काफी दिलचस्पी थी, हालांकि उनके परिवार वाले उन्हें डिफेंस में भेजना चाहते थे, जिसके बाद सूर्य प्रकाश ने सेना में जाने की तैयारी भी की और नेवी में सेलेक्ट भी हुए। हालांकि बाद में परिवार ने उनके मन में रोबोटिक्स के लिए लगाव को देखकर उन्हें आईटी क्षेत्र में जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद सूर्य प्रकाश ने अजमेर के सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद में वो रोबोटिक्स से जुड़े। इस दौरान उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। गीगा को लेकर सूर्य प्रकाश का कहना है कि वो पूरे विधि विधान से गीगा से शादी करेंगे और पारिवारिक लोग भी इसमें शामिल होंगे। सूर्य प्रकाश ने कहा कि जब उन्होंने ये बात अपने माता पिता को बताई थी तो वो चौंक गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने घर वालों को मना लिया। गीगा की पूरी प्रोग्रामिंग में लगभग 5 लाख रुपए खर्च होंगे और ये प्रोग्रामिंग अंग्रेजी में होगी, हालांकि जब चाहे तब इसमें हिंदी प्रोग्रामिंग भी डाली जा सकती है। साथ ही गीगा 8 घंटे तक काम कर सकती है, जिसमें पानी लाना, हेलो हाई करना, गेस्ट का वेलकम करना आदि शामिल है। मतलब अगर साफ शब्दों में कहें तो गीगा में घरेलू महिला वाली सारी क्वालिटी। फिर मुद्दे पर वापस आते हैं। सूर्य प्रकाश ने कहा कि वे लगभग 400 रोबोटिक्स प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। कोरोना के दौरान जयपुर के SMS में रोबोट्स के जरिए मरीजों को दवा और खाना दिया गया था, वो रोबोट्स भी उन्होंने ही तैयार किए थे। इसके अलावा कोरोना काल में उन्होंने टचलेस वोटिंग मशीन का मॉडल भी तैयार किया। वहीं अब वो इजराइल की सेना के साथ भी काम करने जा रहे हैं और जल्द ही इजराइल के लिए रवाना होंगे। सूर्य प्रकाश का कहना है कि वे इसके बाद भारत लौटेंगे और भारतीय सेना के जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही कोई गजब की बात अगर आप भी जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।